हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी तो प्लान कुछ ऐसा है, ये नया सवाल क्या आया, तो मेरा तो सिर्फ ट्रैवल ही ट्रैवल चालू हुआ है। पहला इंडिया से इस्तानबुल था, इस्तानबुल में मेरा शिप को ज्वाइन करना था, मैंने तो ज्वाइन भी मैंने कर लिया है। मेरे को कुछ 5-6 दिन हो गए हैं, तो अभी जस्ट मेरे को कॉल आया कि मेरे को शिप चेंज करना पड़ेगा, अपना ड्यू टू सम रीजंस चेंज हो रहा है शिप। तो अब मेरे को जाना है इस्तानबुल से श्रीलंका, तो बैग वगैरह मैंने सारे पैक कर लिए हैं। तो मैंने सोचा था कि इस शिप पे मैं आपको मस्त टूर दूंगा, ब्रिज का बताऊंगा, अपना रूम टूर दूंगा और बाकी चीज़ें बताऊंगा, वो तो हो नहीं पाएगा। तो फिलहाल मैं आपको फटाफट अपना रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि मैं शाम को निकल जाऊंगा। जैसे मेरा RT-PCR वगैरह होगा, रिपोर्ट्स मेरी सब ठीक आएंगी, तो मैं ये शिप छोड़ के सीधा का सीधा मेरी फ्लाइट है फिर श्रीलंका को। फ्लाइट की टिकट्स वगैरह आ गई हैं, तो चलो मैं पहले आपको रूम टूर देता हूँ। तो ये आ गया अपना मेन डोर। मेन डोर पहले मैं आपको खोल के बताता हूँ, ये लॉक खोला, ये वो सामने आ गया, वो सामने वाला कैबिन चीफ इंजीनियर का है, तो उन्हीं के सामने वाला कैबिन मेरा है। तो ये आ गया मेरा दरवाज़ा, दरवाजे से हम होते हैं एंटर, सामने आती है मेरी अलमीरा। अलमीरा के ऊपर ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है लाइफ जैकेट, हमारा इमर्शन सूट। ये खोला, ये आ गया छोटा सा स्पेस जो अभी खाली हो गया है, मैंने बैग में सारा सामान डाल दिया है। और डस्टबिन, ये कलर कोडिंग हुआ है फॉर प्रॉपर सेग्रीगेशन, ब्लैक कलर के होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, डोमेस्टिक यूज़, ये होता है प्लास्टिक यूज़ के लिए। ये मेरा आ गया एक छोटा सा टेबल, टेबल पे ये लाइटर पहले का पड़ा था, तो मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, ये नहीं सोचना कि ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, पहले का था। ये अपने आगे कवर्ड, ये खाली पड़े, मैंने सारा सामान निकाल लिया इसमें से। ये मेरी एक छोटी कुर्सी आ गई, ये एक एक्स्ट्रा कुर्सी पड़ी थी मेरे कैबिन में, बट मैंने GS को बोला, GS ने आज उठा लेनी थी, बट आज तो मैं ही जा रहा हूँ। तो ये गद्दी बट काफ़ी कंफर्टेबल है, फटी हुई गद्दी है बट काफ़ी मज़ेदार है। उसके बाद एक और ये मेरा टेबल आया, टेबल पे खारा डाला मैंने सामान का। ये एक और मेरी मस्त कंफर्टेबल कुर्सी, ये मेरा बेड। बेड का इसमें सीन ही रहता है, यहाँ पे हमें मिलते हैं स्प्रिंग वाले गद्दे, तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। 2-3 दिन तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, बट 5-6 दिन में ना वो फिर पीठ में दर्द होने लग जाती है मेरे को, इसलिए मैंने GS को बोला था कि मेरे को मस्त 2-3 कंबल दो। तो मैंने कंबल डाले थे, पूरा का पूरा अपना बिस्तरा मैंने सेट किया था यहाँ पे, मस्त नींद आती थी मेरे को ये। तो और ऐसा ये कमरा है, ये आ गया हमारा वॉशरूम, जिसके अंदर अपना ड्राई एरिया और वेट एरिया है। कर्टन्स मेरे ख़राब हो गए, तो ये मैंने चेंज के लिए बोले थे, ये आने थे। ये हूँ मैं, और हाँ यहाँ पे भी पंगा एक ही रहता है, इसमें स्प्रे नहीं होता। समझ गए हो गया मेरा कहने का क्या मतलब है। तो बस यार ऐसा ही है, ये मेरा सामान आ गया, सूटकेस पैक कर लिए मैंने, एक वो मेरा बैग है। और बाहर का व्यू बताता हूँ मैं आपको, मज़ेदार नज़ारा है बाहर का, बताता हूँ। शानदार नज़ारा है ऐसा। तो फिलहाल अभी मेरे को भी नहीं पता क्या होगा, फ्लाइट्स की टिकट आ गई हैं, आगे वो लेने आ जाएंगे मेरे को, क्योंकि एजेंट वगैरह जो भी होंगे वो सब बता देंगे, गाइड कर देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल मैंने तो अपनी सारी की सारी पैकिंग कर ली है, तो मेरे को ऊपर से आया कि आप मस्त रेस्ट करो, खाना शाना खाओ, बिंदास सो जाओ। तो शाम को RT-PCR होगा मेरा, शिप पे ही आएंगे, RT-PCR करेंगे, रिपोर्ट के बाद सीधा मैं श्रीलंका। अपने आगे बैग्स और वो आगे टग बोट, ये गैंगवे के थ्रू हम जाएंगे अब नीचे, और अपना लगेज क्रेन के थ्रू आ जाएगा। सुबह के बजे हैं कोई 8:30 बज गए हैं, और मैं 5:30 का निकला हूँ। पिछले दिन हमारा RT-PCR हुआ था, शाम को हुआ था, तो फिर कैप्टन का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप अगले दिन सुबह ही निकलोगे। तो सुबह हम निकल गए थे, तो अभी तो पुलिस स्टेशन थे, कुछ पेपर वर्क वगैरह करना था, कुछ स्टैंप वगैरह पासपोर्ट पर लगाना था, और यहाँ पर लैंग्वेज का इतना ज़्यादा लोचा है, इनको समझ ही नहीं आता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इशारों इशारों में बात करनी पड़ती है। तो वो हो गया, समहाउ मैनेज हो गया वो।
तो अब पुलिस स्टेशन का भी काम हो गया है, वहाँ पे ही ज़्यादा 2 घंटे लग गए हमें वहाँ पे। तो अब एयरपोर्ट को मैं निकल रहा हूँ, ये हमारे चाचा गाड़ी चला रहे हैं मस्त, सामने का कुछ ऐसा व्यू है। तो फिलहाल बस यही है, और 1:30 का मेरा फ्लाइट है दोहा को। थक गया मैं, नींद बड़ी ज़्यादा मेरे को आई हुई है क्योंकि रात को भी मैं सोया नहीं था, वो एक्साइटमेंट थी पता नहीं क्या था या नर्वसनेस ही, नींद ही नहीं आई। तो अब फ्लाइट में ही सोऊंगा आगे जाके अब, और दोहा में थोड़ा सा वही अपना मैरिनर लाउंज होगा वहाँ पे बैठ के खाना खाऊंगा। फिलहाल तक का तो मैंने यही प्लान रखा है, आगे देखते हैं, आगे जैसा होगा वैसा आप देखते रहोगे। काफ़ी मेरा तो बुरा हाल हो गया, अभी मैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे हूँ, इसके बाद जाना है दोहा, फिर दोहा में 1.5-2 घंटा रुकूंगा, उसके बाद फिर कोलंबो का फ़्लाइट है मेरा। तो जब मैं इस्तांबुल अभी पहुंचा, मैं 3 घंटे का मेरा ड्राइव था गाड़ी का, और इतना मेरा मन ख़राब हुआ, मैंने गाड़ी के अंदर ही 3 या 4 बार मैंने वॉमिटिंग की, और उसको मैं बोल रहा था ड्राइवर को कि आई ऑर्डर, बट इनको कुछ समझ नहीं आता इंग्लिश का, यहाँ पे इतना लोचा है, इशारों से समझाना पड़ता है, मैं वह ऐसे कर रहा था तो उसको तब भी समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने उल्टी मारी तो उसको समझा, फिर उसने 3 या 4 पानी की बोतलें निकाली मेरे को दी, तो फिर उसके बाद मैं सो गया मस्त गाड़ी के अंदर ही। तो अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मन ख़राब तो नहीं हो रहा मेरा, बट थोड़ा हल्का सा पसीना है मेरे को, यहाँ पर ठंड है तभी पसीना आ रहा है मेरे को, और बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी हाँ, एयरपोर्ट से मैंने मम्मा के लिए एक पर्स ले लिया, हैंड बैग ले लिया छोटा सा, क्योंकि मेरे को कुछ लेना था, मैं आपको भी बताता हूँ। वेट, हाँ ये है तो अपना, जब मम्मा देखेंगे, मम्मा को मैंने बताया नहीं है, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा मेरे को भी नहीं पता अपलोड कब करूँगा, लेट ही करूँगा अपलोड, जब मम्मा देखेंगे ये वीडियो तो खुश हो जाएंगे कि इसने मेरे लिए कुछ ले लिया। तो और ये साथ में मैंने टर्किश करेंसी में लिया है, मैं जब यहाँ पे था तो मैंने ना थोड़ा सा एक्सचेंज करवा लिया था टर्किश करेंसी में, तो एक्स्ट्रा मैंने पहली बार एक्सचेंज कराया, मेरे को पता नहीं था तो मैंने ज़्यादा करवा ली, इतना ज़्यादा करवाने का ज़रूरत नहीं था मेरे को, बस कलेक्शन के लिए चाहिए था कि हाँ मेरे को अलग अलग कंट्री का करेंसी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा था मैंने उसका ख़रीद लिया। बट एक और चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, जो मैंने गलती की, मैं अपने साथ US डॉलर्स नहीं लेके गया था। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो ना किसी भी कंट्री में, तो US डॉलर लेके जाओ, वो हर एक जगह चलते हैं, इंडियन रुपीज़ कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे, और आपको उसका पैसा भी बड़ा कम मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा कमीशन मारते हैं। जैसे कि जो अपना टर्किश लीरास है, इसका कीमत है इंडिया में, इंडिया के हिसाब से 5.5 रुपया अपना हिंदुस्तान का बनता है यहाँ का एक टर्किश लीरा, तो इन्होंने मेरे को 8.5 रुपये के हिसाब से दिया था, तो फिर क्या करना था, बट ले लिया मैंने। फ़र्स्ट टाइम बंदा गलती करके ही सीखता है, कि मैंने ज़्यादा लेना चाहिए था मेरे को, थोड़ा सा ही 50, 60, 100, 200 रुपये का ही मेरे को एक्सचेंज कराना चाहिए था, तो बट मैंने ज़्यादा 1000 में करवा दिया था कुछ, तो बस ठीक है चलता है वो अपना। और हाँ, लास्ट टाइम आई गेस मैंने ना मैरिनर्स लाउंज का रास्ता नहीं बताया था आपको, तो वो मैं अभी जब दोहा जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा वो बताने की, कि किस साइड से आपको जाना होता है। और हाँ, जिनको नहीं पता, मैरिनर्स लाउंज में कोई भी जा सकता है, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ ऑफिसर्स ही जाएंगे, जो GP रेटिंग वाले हैं वो भी जा सकते हैं, बस आपके पास CDC होना चाहिए, और वहाँ पे मस्त बैठो, रिलैक्स करो, खाओ पियो, दारू पियो, जूस पियो, खाना खाओ, स्वीट्स खाओ, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ता, बट वो सिर्फ मैरिनर्स के लिए है। तो वहाँ पे जाना और रिलैक्स करना, क्योंकि काफ़ी जो मेरे साथ थे, मेरे साथ एक्चुअली जब हमारा क्रू चेंज हुआ तो मेरे साथ मैक्सिमम GP रेटिंग वाले थे, तो उनको नहीं पता था, उनको लगा था कि यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स वाले ही उन्हीं को अलाउ करते हैं, बट वैसा नहीं था, अगर आपके पास CDC है तो वो आपको जाने देंगे अंदर। तो ये था। और हाँ, अगर व्लॉग ये ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा भी सेहत इतना अच्छा नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि मैं हाँ शूट करूँ, क्योंकि जब मैं ये शूट करता हूँ और जब मैं बाद में अपना वीडियोस देखता हूँ तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है, तो बस मैं उसलिए ही कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कि मैं कैसा शूट करूँगा। और तो चलो, अब मिलते हैं आपसे दोहा में आपको मैं लाउंज बताऊँगा। ओके बाय। तो भाई लोग, मैं दोहा तो आ गया हूँ, मैं लाउंज में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा बोर्डिंग चालू हो गया हुआ, बट मैं आपको फटाफट लाउंज का रास्ता बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा रास्ता है। ये अपना आ गया मेन, वही जो येलो कलर का टेडी बियर सा है, ये सबको दिखेगा, इसका जो पिछू हिस्सा है पिछला, वहाँ से आपने लेफ्ट हो जाना है, लेफ्ट में आपको मिलेगा एक बोर्ड, वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड, वो है। तो मैरिनर लाउंज हमारा है 1st फ्लोर पे, तो वहाँ से आपने अंदर चल जाना है, लिफ्ट पकड़नी है, 1st फ्लोर तक चल जाना है, और अपना CDC बताना है उनको, उनसे बस पूछना है वेयर इज मैरिनर लाउंज, 1st फ्लोर में साथ में ही है, तो वो बस आपका
सीढ़ी सी चेक करेंगे और देन यू आर गुड टू गो इनसाइड और मस्त खाओ पियो इंजॉय करो चिल करो अगर टाइम है तो। जैसे मैंने जाना था पर मेरे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि फ़्लाइट मेरा ये वाला थोड़ा सा लेट हो गया और बोर्डिंग मेरा दूसरे जहाज का चालू हो गया हुआ है अभी। स्टोर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर रोकड़ा पॉकेट में है तो खर्चने को खुला मिलेगा, वैसे वो हर एयरपोर्ट पे मिल जाता है। चलो मैं फटाफट जहाज़ पे जाता हूँ नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। टाइम पे आया, बोर्डिंग चालू होगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है लंबी। ओह मेरे को टेंशन था कि कहीं निकल गया जहाज़ तो मैं खजल हो जाऊँगा, बट पहुँच गया, थोड़ी देर बैठता हूँ एंड में ही जाऊँगा मज़े से, जाइए पूरी की पूरी लाइन चल जाएगी अंदर। और ये मस्त दिल्ली की तरह मेट्रो जा रही है और आई थिंक 3 या 4 दिन अपने पास हैं श्रीलंका में, तो मस्त वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ का भी अभी होटल का टूर दूंगा आपको। मेरे को लग रहा है मेरा चैनल ये व्लॉगिंग का कम रूम टूर का ज़्यादा बन गया हुआ है क्योंकि लास्ट 3 वीडियोस से मेरा शायद रूम टूर ही चल रहा है। तो जब वहाँ पे पहुँचता हूँ अभी रात को मैं 2 या 3 बजे पहुँचूँगा शायद वहाँ पे श्रीलंका, और अब जेट लैग भी गंदा वाला होगा तो अब देखते हैं क्या बनता है। और खाना मैंने तो फ़्लाइट में खा लिया था, इस टाइम इन्होंने खाना कतर वालों ने अच्छा दिया था लंच, तो डिनर तो मेरा यहाँ पे इसी फ़्लाइट में होगा। पहले मैंने सोचा था कि लाउंज में करूँगा तो वहाँ पे टाइम ही नहीं था क्योंकि अभी बोर्डिंग चालू था मेरा, तो फ़्लाइट 20 मिनट थोड़ा डिले हो गया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो अब आराम करता हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, व्हाट्सएप पे घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो बस यही है ज़िंदगी चल रही है अपनी। फाइनली रीच इन होटल, एक्चुअली होटल तो नहीं है ये, रिजॉर्ट है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिजॉर्ट है ये। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं पिछले दिन सुबह का 5:30 बजे का निकला हूँ, तो मोर देन 24 आवर्स हो गए मेरे को निकले हुए और मैं बुरा हाल हो गया हुआ मेरा, मेरे हिम्मत ही नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो इसका तो रूम टूर देना बनता है, अभी तो नहीं दूंगा मैं, सुबह ही दूंगा और सुबह ही आपसे बात करूँगा। तो अब सुबह मिलते हैं।